गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बजे हुए 6:50 और मॉर्निंग शिफ्ट का मेरा आज चौथा दिन है। आज का लॉबी से प्रोग्राम मुझे मिला है कि पायलट मझगांव जाना है, मझगांव यार्ड में जो कि सैंडर्स रोड के पास है। आज की ड्यूटी थोड़ी अलग है, पहली बार कर रहा हूँ। आज की जो ड्यूटी है मेरी, वो पहली बार मैं ड्यूटी कर रहा हूँ कुरला में पोस्टेड होने के बाद। इससे पहले मैंने ये ड्यूटी की नहीं है। आज की ड्यूटी का मेरा नाम है चेंज ओवर। पहली बार ड्यूटी मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, देखते हैं। फिलहाल के लिए तो जिस लोगों का मुझे चार्ज लेना है वो अभी दादर में है, और वो दादर से या तो मझगांव यार्ड में आएगा या फिर भाईकला यार्ड में आएगा। अगर मझगांव यार्ड में आता है तो मैं जो नाइट शिफ्ट के क्रू है उसको रिलीफ करूँगा, और अगर भाईकला यार्ड में आता है तो सैंडर्स रोड से वापस लोकल पकड़ के भाईकला जाऊँगा और वहाँ उनको रिलीफ करूँगा। फिलहाल तो मुझे सैंडर्स से भाईकला जाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अभी दादर से निकलेगा तो भाईकला में मिलेगा मुझे। अभी मैं जो है भाईकला स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। मेरे को जिस लोगों का चार्ज लेना है वो दादर से निकल चुका है, बस पहुंचने वाला ही है भाईकला में। वो लोग मुझे यहां से पिकअप करेंगे और जो नाइट शिफ्ट का क्रू है वो अपना ड्यूटी फिनिश करेगा, मुझे चार्ज लेना है उसका। विस्टाडोम कोच डेक्कन एक्सप्रेस जो है निकली है यहाँ से। उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, अभी खाली जा रहा है। हो सकता है कल्याण में लोग बैठे, लेकिन यहाँ से तो आधा खाली गया है। दादर से जो लोगों को निकला था उसे भाईकला यार्ड में ले लिया है। अभी मैं भाईकला यार्ड में जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके नाइट शिफ्ट वाले क्रू को रिलीव करता हूँ और वहाँ से अपनी ड्यूटी स्टार्ट करता हूँ। तो मिलते हैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद। भाईकला में जिस लोगों का मैंने चार्ज लिया था उस लोगों को हम लेके आए मझगांव। फिर मझगांव में एक दूसरा लोको था, उस लोको के ऊपर अटैच किया, ऑनलोड किया। तो आगे वाले लोको में फुल क्रू था लीडिंग लोको में, और पीछे वाले लोको में सिर्फ अकेला मैं था। फिर मझगांव से दोनों लोगों को मैं ट्रेलिंग पीछे वाले लोको में था, और जो फुल क्रू था वो आगे वाले लोको में था। तो मझगांव से हम उसको CST लेके आए। अभी 11:30 बजे हुए हैं, तो वहाँ प्रॉपर स्टाफ आ गया जिसका मैंने चार्ज लिया हुआ था। अब एक दूसरा प्रोग्राम दिया है कि CST से दो लोग को कल्याण जाने वाले हैं, तो इसमें आगे वाले लोगों में फुल क्रू रहेगा, पीछे वाले में मेरे को बैठना है। तो उसको जो है चार्ज लेके और कल्याण पहुँचाना है, तो अभी चलते हैं। पूरे दिन से धूप और गर्मी थी, अभी सिर्फ 10 मिनट बारिश हुई है, और 10 मिनट की बारिश में काफ़ी अच्छी ठंड कर दी है। चलो अच्छा है जाने के टाइम पे बारिश नहीं है, वरना आप भीगने वाला सा काम हो जाता। वाह की नहीं, पेड़ की है। और दिन और ड्यूटी 3 बजे फिनिश हो जाती है, लेकिन अभी जो है 4 बज गए। कारण ये था कि आज रिलीवर नहीं था मेरा कोई, इनका भी कोई रिलीवर नहीं। तो रिलीवर ना होने की वजह से कभी कभी 2:30 बजे आपकी ड्यूटी फिनिश हो जाती है, और कभी कभी आपको एक आधे घंटा
एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। खैर वो तो चलता रहता है, रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, डिलीवर होता तो वो टाइम से आ जाता। आज मैंने दो लोगों पे काम किया, एक सुबह हम लोग बाइकला यार्ड से निकाल के CST लेके गए और दूसरा अभी हम CST से यहाँ कल्याण लेके आए, कल्याण शेड में। तो जो लोग ऑलरेडी हो जाते हैं उनको शेड में डालना पड़ता है। आज की ड्यूटी थोड़ी डिफरेंट थी और दिनों के बजाय, क्योंकि आज मेरे साथ लोको पायलट नहीं थे। और दिनों जब भी ड्यूटी करते हैं तो अपने साथ लोको पायलट होते हैं, लेकिन आज लोको पायलट नहीं थे। लोको पायलट ना होने का कारण ये था कि दोनों ही टाइम, सुबह भी और अभी दोपहर में भी, मैंने जो लोको का चार्ज लिया उसके उस लोको के आगे दूसरा लोको लगना था जिस पर फुल क्रू था। तो अभी पंकज भाई हैं, उन्होंने भी मेरे साथ ही फिनिश किया है। ये आगे वाले लोको में थे, अभी CST से जो कल्याण लाए हैं उसमें आगे वाले लोको पे थे और इनके साथ लोको पायलट था, और जो पीछे वाला लोको था उसमें मैं था। तो पीछे वाले लोको के अंदर असिस्टेंट ड्राइवर को इसलिए बिठाया जाता है, अगर वो शटडाउन है तो दिक्कत नहीं है, एक क्रू से काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो लाइव है और उसको दूसरे लोको के साथ जोड़ के लेके जाना है तो उसमें एक डिवाइस लगी रहती है, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, उसको एक्नोलेज करने के लिए एक असिस्टेंट को दिया जाता है, जो कि आज मेरी ड्यूटी थी। तो यही कारण था कि आज मेरे साथ लोको पायलट नहीं थे। हम दोनों पनवेल रहते हैं, तो सोचा साथ ही चल जाते हैं। अभी जाएंगे यहाँ से लोकल पकड़ेंगे और पनवेल पहुँचेंगे, और दिन CST की तरफ ही ड्यूटी फिनिश होती है। आज पहला दिन था कि कल्याण में ड्यूटी फिनिश हुई है। कल्याण में ड्यूटी फिनिश तब होती थी जब हम पनवेल में काम करते थे। आज कुरला में जब से काम कर रहा हूँ तब से ये डिटेल भी पहली बार लगी है मेरी, और काफ़ी अच्छी डिटेल थी ये। मज़ा आया काम करके, ये ड्यूटी काफ़ी अच्छी रही। बस थोड़ी दोपहर में ज़्यादा धूप होने की वजह से गर्मी ने थोड़ा परेशान किया, लेकिन अभी बारिश हुई तो 10 मिनट की बारिश से ही जो है काफ़ी अच्छी ठंड हो गई है, और मौसम तो मुंबई का जो है 5 मिनट के अंदर बदलता है। ये देखो कितना शानदार मौसम हो रखा है ऊपर। सुकून की हवा, हवा चली नहीं रही है, सुबह से गर्मी मार रखा है। तो लोकल के गेट पे खड़े हुए ना तब मज़ा आ रहा है। अभी कल्याण से CST जा रही है तब खाली जा रही है ये, क्योंकि जितनी भी भीड़ आने वाली है ना CST की तरफ से आने वाली है। कल्याण की तरफ जैसे CST जाएंगी ना शाम के टाइम पे बहुत कम भीड़ जाएगी, और यही उल्टा सुबह होता है। सुबह के टाइम जब कल्याण से CST जाती है तो खूब भीड़ जाती है। उधर से आने वाली गाड़ियों में भीड़, और ये देखो यहाँ एकदम खाली। सुबह शाम का है, लोग जाते हैं काम करने सुबह और शाम को आते हैं, एक साइड भीड़ रहती है। चौथा दिन है, रोज मैं लेट हो ही जाता हूँ, आज भी हो गया। अभी शाम के 6 बजे हुए हैं, रोज 6 बजते हैं, अभी 7, टाइम से पहुँचता ही नहीं हूँ। चलो आज वो ड्यूटी की वजह से पहुँच गया। कल्याण से निकले तो बारिश हो रही थी, उसके बाद जैसे ही टनल क्रॉस किया थाने में बिल्कुल बारिश नहीं, और यहाँ पनवेल में भी खूब बारिश अभी रुकी है तो मैं बाहर आया हूँ, अच्छे टाइम पे रुकी है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, आज का व्लॉग करते हैं यहीं फिनिश, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।